हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 का आज यानी 8 सितंबर को सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है और आज पूछे गए रियल जीके क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सब देख लेते हैं। तो आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जनगणना 2011 के अनुसार जो है सबसे कम बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। आपको पूछा गया था कि सबसे कम बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, तो यह भाषा है संस्कृत। तो जिन्होंने संस्कृत मारे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। अगर बात करें सबसे अधिक बोली जाने वाली की, तो सबसे अधिक बोली जाती है हिंदी भाषा। देखिएगा, सबसे अधिक बोली जाती है हिंदी, जो कि फर्स्ट नंबर पर है। और सेकेंड नंबर पर कौन है, तो सेकेंड नंबर पर है बंगाली, जो कि सबसे अधिक बोली जाती है। इसमें सेकेंड नंबर पर बंगाली है, फर्स्ट नंबर पर हिंदी है, सबसे कम बोली जाती है संस्कृत। तो आपको नेक्स्ट पूछा गया था 73वां संविधान संशोधन जो है यह कब हुआ था। तो 73वां संशोधन जो है यह 1992 में हुआ था। तो 1992 इसका जो है सही उत्तर है। और इसी संशोधन में जो है 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। नेक्स्ट आपको पूछा गया है कि जगन्नाथ मंदिर जो है यह कहाँ स्थित है। तो जगन्नाथ मंदिर जो है यह पुरी जो है उड़ीसा में स्थित है। तो पुरी उड़ीसा जो है ये इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो आपको नेक्स्ट पूछा गया है महिला आइस हॉकी 2022 कहाँ हुई थी। आपको पूछा गया है कि महिला आइस हॉकी 2022 इसका आयोजन जो है कहाँ पर किया गया है। तो इसका आयोजन किया गया है हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो आपको नेक्स्ट पूछा गया था पत्तियों से भोजन जो है पौधों में किसके द्वारा पहुंचता है, यानी भेजा जाता है। तो पत्तियों से भोजन पौधों में जो है फ्लोएम के द्वारा जाता है। तो फ्लोएम जिसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। फिर आपको एक दिया गया था कि इसका पीएच मान जो है 6 से कम है तो क्या होगा। तो पीएच मान 6 से कम है तो अम्लीय होगा, क्योंकि 7 से कम पीएच मान जो है वो अम्लीय होता है और 7 से अधिक होता है तो क्षारीय होता है। 9 से अधिक हो जाएगा था 9 आपका क्षारीय हो जाएगा। तो इसे भी आपको एक क्वेश्चन दिया गया था। फिर आपको पूछा गया था कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग और आवर्त हैं। तो आवर्त सारणी में कुल जो है 18 वर्ग और 7 आवर्त हैं। आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब शुरू हुआ था। आपको पूछा गया है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है यह कब शुरू हुआ था। तो यह शुरू हुआ था 1972 में। तो 1972 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। आपको पूछा गया था आर्टिकल से कि अनुच्छेद 17 जो है यह संबंधित है। तो यह संबंधित है अस्पृत्या का अंत, यानी छुआछूत का अंत, जो कि आता है मौलिक अधिकार के मौलिक अधिकार भाग 3 में यह आता है। नेक्स्ट आपको पूछा गया था कि कावेरी की जो है सहायक नदी कौन सी है। तो कावेरी की सहायक नदी है हिमावती, कावेरी और भवानी। तो इनमें जो भी आपके ऑप्शन में था वो आपका जो है सही उत्तर हो जाता। फिर आपको एक पूछा गया था कि किस भारतीय पर्यावरण को जो है प्रतिष्ठित स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2015 दिए जाने की घोषणा की गई है। पूछा गया था किसे जो है स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2015 दिया गया था। तो यह दिया गया था राजेंद्र सिंह को। तो जिन्होंने राजेंद्र सिंह मारे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। फिर आपको नेक्स्ट पूछा गया था कि बिहू जो है किस राज्य का नृत्य है। तो बिहू जो है यह असम का नृत्य है, जो असम में जो है क्या जाता है। तो आपको नेक्स्ट पूछा गया था, आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था कि गतिशक्ति योजना का, तो पूरा क्वेश्चन क्या था तो नीचे कमेंट कीजिएगा। तो आपको बता दूँ कि गतिशक्ति योजना जो है इस योजना के माध्यम से देश के युवा नागरिकों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। और इस योजना की शुरुआत जो है पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। दोस्तों, आपको पूछा गया था कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। आपको पूछा गया था कि उदासीनीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, इसे पूछा गया था। तो ये होता है ये अम्ल और भस्म का जो है उसे जो बनता है जल और लवण बनता है, वही है कि अम्ल और लवण से जो इसे जो जल बनता है और नमक बनता है इसी को कहा जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। और आपको एक क्वेश्चन जो है पाचन तंत्र से पूछा गया था। तो क्वेश्चन पूरा क्या था नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको दिया गया था कि पाचन तंत्र जो है इसे क्या आपको बताया था कि पाचन जो होता है किसी द्वारा होता है,
तो ये होता है लसिका के द्वारा, इस प्रकार से कुछ पूछा गया था। और आपको पूछा गया था कि आपको पूछा गया था क्रिकेट से कि सातवें नंबर पर जो है, सातवें नंबर पर शतक किसने लगाया है, इस प्रकार से पूछा गया है। तो ये इन्होंने, इसका अश्विन जो है ये सही उत्तर है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन जो है पूछा गया था। तो आए दोस्तों देख लेते हैं मैथमेटिक्स का दूसरा बात मैथमेटिक्स का, तो इसका लेवल जो है वो आपका इजी टू मॉडरेट रहा है। इनमें आपको जो है एक क्वेश्चन पूछा गया था बैलेंस से, आपको एक क्वेश्चन जो है बैलेंस से पूछा गया था, जिनमें आपको आर और एच यानी आपको त्रिज्या ऊंचाई दिया था और इसका आपको आयतन पूछ रहा था। तो इसका आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये आपको पूछ रहा था। एक आपको जो है क्वेश्चन दिया गया था समांतर चतुर्भुज से, एक को आपको दिया गया था समांतर चतुर्भुज, जिसमें आपको इसका विकर्ण, इसका विकर्ण आपको दिया गया था और इसका आपको परिमाप पूछ रहा था, इसका आपको जो है परिमाप पूछ रहा था। और आपको एक क्वेश्चन जो है घनाभ से ही पूछा गया था। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। आपको एक क्वेश्चन दिया गया था एवरेज से कि 10 छात्र का जो है एवरेज आपको दिया गया था कि 46 है, आपको दिया गया था कि 10 छात्र का एवरेज जो है 46 है और गलती से जो है 142 को 42 पढ़ लिया गया है, तो सही औसत क्या होगा। आपको दिया था कि 10 छात्र का जो एवरेज कितना एज है या कुछ भी 46 है और गलती से 142 को 42 पढ़ लिया गया है, तो इसका जो है सही एवरेज क्या होगा। तो पढ़ निकाल लेते हैं कि कितना फ़र्क हुआ है, था रियल में कितना 142 था, इसे पढ़ा कितना है, तो इसे पढ़ लिया गया है गलती से 42, तो इसे घटा दीजिए, यानी 100 का फर्क, यानी 100 जो है कम पढ़ा है, यानी 100 और होता ओवरऑल तो 100 जो है ये कितना क्या है, तो 100 कम पढ़ा है, 100 पढ़ा है कितना में 10 स्टूडेंट में, 100 कम पढ़ा है 10 में, तो 10 से भाग दे दीजिए, यानी सब में 10 बढ़ेगा, 10 से कट जाएगा, सब में 10 बढ़ेगा, तो पहले था 46 और इसमें 10 जुड़ जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 56। तो आपको एक क्वेश्चन जो है इसी प्रकार से दिया गया था। दोस्तों आपको जो है एक पूछा गया था अष्टक नियम से, आपको एक जो है अष्टक नियम से क्वेश्चन पूछा गया था कि बारह कक्षा में जो है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, और आपको जो है एल्काइन से भी क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन क्या था नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। और आपको ये पूछा गया था कि पौधों का जो है संश्लेषण कैसे होता है, जो कि होता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा, तो ये आपको पूछा गया था। आपको अवतल दर्पण से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, आपको जो है भी बराबर IR से भी जो है एक क्वेश्चन पूछा गया था, इनसे आपको जो है एक क्वेश्चन पूछा गया था। और अगर बात तो करें रीडिंग का, तो रीडिंग का जो लेवल था वो आपका इजी टू मॉडरेट रहा है। और बात करें साइंस में, तो आपको जो है एक समांतर क्रम श्रेणी क्रम से भी जो है एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था। दोस्तों फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।